खबर गोंडा से, जहां मानसून की दस्तक के साथ जिले की दो तहसीलों के 62 गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। जिला प्रशासन ने संभावित खतरे को देखते हुए सभी गांव में अलर्ट जारी किया है और ग्रामीणों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। डीएम के निरीक्षण के दौरान बांध की मरम्मत में लगे सिंचाई विभाग के अफसरों की बड़ी लापरवाही सामने आई, क्योंकि बांध की मरम्मत के नाम पर अब तक 11 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन मरम्मत का काम पूरा नहीं हो सका। इस लापरवाही को लेकर डीएम ने अफसरों से जवाब तलब किया है और रिपोर्ट शासन को भेजी है। के काम के लिए जो कार्य कराया जा रहा था वो 70-80% ही पूरा हो पाया है, उसके बारे में उनसे भी जवाब तलब किया जा रहा है कि आपने टाइमली काम पूरा क्यों नहीं किया, और वो शासन को भी उसके बारे में अवगत कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त जो बाकी काम है हमारे, जो बंधों की सुरक्षा से संबंधित है, उसके संबंध में हम लोगों ने उतनी तैयारी कर ली है कि जिससे कि हमारे बाढ़ आने पर उसमें कोई फर्क नहीं पड़े।